बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं तवा फिश फ्राई। तो यहाँ मैंने 2 टीस्पून भर के नमक के लिए हैं, 2 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन है और 1 लीमू का रस लेंगे, 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट लेंगे। ये मैंने फिश को अच्छे तरीके से वॉश किया है सिरका डाल के, तो ये हमारी फिश वॉश हुई हुई है। अब हम इसमें सारे मसाले लगा देंगे। अच्छे तरीके से हमने सारे मसाले फिश में डाल देने हैं और इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हमने फिश को तकरीबन 3 से 4 घंटे मैरिनेट करके रख देना है। जितनी ज़्यादा हमारी फिश मैरिनेट होगी, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा मैरिनेशन में, उतनी ही ज़्यादा अच्छा और इसका मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो आपने इसको तकरीबन 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं सारा मसाला फिश में लगा रही हूँ। एक एक पीस में अच्छे तरीके से आपने इसको लगा लेना है मसाले को, और इसको रख देंगे मैरिनेट करके। अच्छा, यहाँ पे 3-4 घंटे गुजर चुके थे, तो अब मैंने तवे पे 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। ये फिश हम तवे पे बनाएंगे। अब हम फिश के पीस जो हैं वो तवे पे रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं देखें किस तरीके से फिश को जो है तवे पे रख रही हूँ। स्किन वाली जो साइड है वो मैं तवे के ऊपर रख रही हूँ। ये देखें, आप लोगों ने फिश के गोल पीस करवाने हैं। ये मैंने गोल पीस लिए हुए हैं और इसको अब हम इस तरह से, ये देखें, स्किन वाली साइड से इसके ऊपर रखेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको ढक के कुक करेंगे। दो से तीन मिनट हमने बस सिर्फ इसको ढक के कुक करना है। ये देखें, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक किया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपने सारे पीसेस की साइड चेंज कर लेनी है। ये हमारी सारी फिश जो है वो टर्न हो गई है। मैंने सारे पीसेस जो है इसके टर्न कर दिए हैं। अब आप लोगों ने एक प्लेन ढक्कन लेना है। यहाँ पे मैंने प्लेन ढक्कन लिया है, वो फिश के ऊपर रखा है और उसके ऊपर वजन दिया है। किसी भी चीज़ से आपने वज़न देना है। ये मैंने सिल्का बट्टा लिया था और तकरीबन 5 मिनट कुक करना है। 5 मिनट इसको हमने वज़न देके कुक करेंगे ताकि फ़िश का सारा पानी वगैरह जो है वो निकल जाए। तो ये देखें, यहाँ पे अब मैं इसके साइड चेंज कर रही हूँ सारे पीसीस की, और एक दफ़ा इस साइड से हम वज़न देके इसको कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम एक साइड पर लगाएंगे और हमारी फ़िश जो है बहुत ही ज़बरदस्ती रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, दूसरी साइड से भी मैंने इसको कुक कर लिया है। आपने लाजमी इसके ऊपर वेट देना है। वेट देंगे तो ये बहुत अच्छे से पीस अंदर तक जो है वो फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखें, हमारे पीसेस फ्राई हो गए हैं। अब मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये फिश फ्राई हुई थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग डीप फ्राई पसंद नहीं करते, तो वो इस तरह से, इस मेथड से भी फ़िश को बना सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि बहुत ही कम कुकिंग ऑयल में जो है हमारी फ़िश फ्राई हो जाती है। यानी कि इतने कुकिंग ऑयल में हमने तकरीबन ये 2-2.5 किलो हमारी फ़िश थी, तो ये सारी फ्राई हो गई थी। तो आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।